नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में भयंकर सैलाब आ चुका है। पानी की रफ्तार इतनी खतरनाक है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा रहा है। बिहार में कितनी बड़ी आपदा आ चुकी है वो वहां से आई इस रिपोर्ट में देखिए। लोग परेशान है अपना प्राण बचाने के लिए। बाढ़ है, बारिश है, हर ओर तबाही का मंजर है। नेपाल में भारी बारिश के बाद आया बाढ़ ऐसा सैलाब लाया कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। नेपाल के पहाड़ों से तबाही मैदान की तरफ आ रही है। नेपाल पिछले चार दिनों से प्रकृति की दोहरी मार झेल रहा है। बाढ़ के साथ साथ लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। बारिश ने 56 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेपाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 112 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 68 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि करीब 100 लोग घायल हुए हैं। नेपाल सरकार के मुताबिक अकेले काठमांडू घाटी में ही 48 लोगों की जान गई है। नेपाल में बाढ़ और बारिश से लोगों को बचाने के लिए सेना की तरफ से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सैलाब में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। नेपाल में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। छत और पेड़ों की शरण लेकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं। लगातार बारिश और नदियों में सैलाब की वजह से घर और मकान जमींदोज हो रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, बीच में सैलाब है, लोग दूसरी ओर फंसे हुए हैं जिन्हें बारी बारी से रेस्क्यू किया जा रहा है। नेपाल का ये सैलाब बिहार में भी बर्बादी की वजह बन गया है। कोसी और गंडक नदियां उफान पर हैं। कोसी नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कोसी बैराज से 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते कोसी के सभी 56 गेट खोलने पड़े हैं। सैलाब ऐसा कि कोसी बैराज के ऊपर लोगों को आने जाने में दहशत हो रही है। लोग जल्दी से जल्दी बैराज से हट जाना चाहते हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से बैराज पर आने जाने से रोक लगा दी गई है। नेपाल में बारिश की वजह से बिहार में बर्बादी हो रही है। जल प्रलय ऐसा कि लोग पलायन को मजबूर हैं। और साफ तौर पर देखिए खतरा किस तरह बढ़ सकता है। देखिए पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और देखिए झोपड़ी में मीटर लगा हुआ है, वो भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। थोड़े से पानी और बढ़ेगा तो देखिए बिजली जो है आसपास में इस पानी में ही करंट जो है वो आएगा और कई लोगों की जान भी जा सकती है। खाना की व्यवस्था ना कुछ, रहने का व्यवस्था है, हम लोग भाग कर लाइन पर जाकर गुजारा कर रहे हैं। हाँ, पानी बढ़ रहा है। वहीं जो लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते वो मचान पर रहने को मजबूर हैं। ना उनके पास खाने की कोई चीज है और ना रहने की सुविधा। काल से हमने के मचान पर अपन दिन काटा तन जा। बहुत ही स्थिति खराब। घरों में पानी जो है प्रवेश कर गया है। किस हालात में ये लोग हैं? धूप है, बारिश है और नीचे देखिए तो बाढ़ का पानी है। गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और महानंदा के साथ गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नेपाल में तबाही मचाने के बाद गंडक और कोसी नदियों ने भारत में भी तबाही मचानी शुरू कर दी है। लोगों का जान बचाया था। अब एक और तस्वीर देखिए। बिहार में बाढ़ के बीच ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति सैलाब के बीच रोते हुए अपने लोगों को बचाने की गुहार लगा रहा है। शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि यहाँ के लोग जान बचाने के लिए। बिहार की बाढ़ पर राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हाई लेवल बैठक की गई।
जिसमें एनएसआरएफ एसडीआरएफ के अधिकारी शामिल हुए। केंद्र की तरफ से बाढ़ के लिए बिहार को 11,000 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान हुआ है। ये आपदा को बड़ी विपत्ति के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी देखते हैं। सरकार से लगातार बात करके जो भी सहायता पहुंचाया जाए पहुंचाने में कहीं कोई कमी नहीं रहे। वही विपक्षी नेता मांग कर रहे हैं कि बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। सरकार सो रही है। वहीं बिहार सरकार का दावा है कि बाढ़ से बचाव की सभी तैयारियां हैं। सरकार यहां पे कुमकर्णी सरकार सोई हुई है, उसको तो बिहार में जो बाढ़ को आपदा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। पूरी तरह सरकार मुस्तैदी के साथ सारे तटबंध को देख रही है। कुल मिलाकर नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार बारिश की वजह से बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। 13 जिले, 20 प्रखंड और 140 ग्राम पंचायतों के करीब 2,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।